अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स चैप्टर थ्री इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस। फोटोसिंथेसिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन आवर वर्ल्ड। फोटोसिंथेसिस एक बहुत अहम कीमियाई चेंज है जो हमारी दुनिया में जगह पा रहा है। इफ़ फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस, अगर फोटोसिंथेसिस ना हो, नियरली ऑल लिविंग थिंग्स विल डाई, तकरीबन तमाम जानदार ही मर जाएंगे। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज और ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हैं। ऑल लिविंग थिंग्स यूज दीज टू प्रोडक्ट्स इन रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी। तमाम जानदार इन दो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन में, ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। दिस एनर्जी इज़ यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। ये एनर्जी ज़िंदगी में बहुत सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। अफेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन फोटोसिंथेसिस। लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल आर नेसेसरी फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस। रोशनी, टेम्परेचर, दर्जा हरारत, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल आर नेसेसरी फैक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इफ़ एनी ऑफ दीज फैक्टर्स फॉल्स टू अ लो लेवल, अगर इनमें से कोई एक फैक्टर भी बहुत कम तादाद में मौजूद हो, फोटोसिंथेसिस स्लोस डाउन और स्टॉप्स, फोटोसिंथेसिस का अमल कम हो जाएगा या फिर रुक जाएगा। लाइट, रोशनी, प्लांट्स ट्रैप सनलाइट टू मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है वो सूरज की रोशनी को जकड़ लेते हैं ताकि वो खाना बना सके फोटोसिंथेसिस के जरिए। फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस एज द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस। फोटोसिंथेसिस बढ़ जाती है जैसे ही लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है। ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ लाइट, रोशनी के सात रंगों में क्लोरोफिल अब्जॉर्ब्स ब्लू। क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करता है, जज़्ब करता है ब्लू, नीले रंग को, ऑरेंज कलर को और एंड रेड कलर को और रेड लाइट को। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट्स अब्जॉर्ब फ्रॉम एयर इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे प्लांट जज़्ब करता है हवा में से, एक बहुत ही अहम कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। फोटोसिंथेसिस का अमल बढ़ जाता है जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ अबाउट 0.03 to 0.04%। कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद जो हवा में मौजूद है वो तकरीबन 0.03 to 0.04% तक है। टेम्परेचर, दर्जा हरारत, द हायर द टेम्परेचर द फास्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा फोटोसिंथेसिस का अमल उतना ही तेज़ होगा। नॉर्मली प्लांट्स ग्रो वेल एट 25 to 35 degrees Celsius। आमतौर पर प्लांट जो है वो सही ग्रोथ करते हैं 25 to 35 degrees Celsius के टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बिलो 0 degrees Celsius एंड अबव 40 degrees Celsius आर नॉट सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। 0 degrees Celsius से कम टेम्परेचर और 40 degrees Celsius से ज़्यादा टेम्परेचर प्लांट्स ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। वाटर, पानी, वाटर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रॉ मटीरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। वाटर भी उन रॉ मटीरियल्स में से एक है जो फोटोसिंथेसिस के अमल में काम करते हैं। एंड इज़ रिक्वायर्ड इन लिमिटेड अमाउंट, और ये एक लिमिटेड तादाद अमाउंट में चाहिए होता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन मटीरियल इन प्लांट्स। क्लोरोफिल प्लांट्स में मौजूद एक हरा मटीरियल होता है दैट ट्रैप सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, जो सूरज की रोशनी को ट्रैप करता है फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए। इट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स, ये पत्तों को हरा रंग देता है। विदाउट क्लोरोफिल द फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉसिबल, क्लोरोफिल के बगैर फोटोसिंथेसिस का अमल पॉसिबल नहीं है। थैंक यू।